नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं केक। ये बिस्कुट लिए हैं, ये ओरियो बिस्कुट है और हैप्पी हैप्पी बिस्कुट है। दो ठो हैप्पी हैप्पी है, एक ठो ओरियो बिस्कुट है। उसको टुकड़े में कर लिए हैं। यहाँ पर सूजी लिए हैं, एक कप सूजी है, एक कप दूध है। ये हैप्पी हैप्पी बिस्कुट में से क्रीम निकाल लिए हैं। इनो है, 2 चम्मच मैदा है, 3 चम्मच चीनी है। ये सब मिक्स करके बनाएंगे आज केक। देखिए बिस्कुट पीस लिए हैं, बर्तन लिए हैं, इसमें डाल दे रहे हैं सूजी, इसमें डाल दे रहे हैं। अब पूरा वीडियो देखिएगा। 2 चम्मच लिए हैं मैदा, वो भी डाल दे रहे हैं। 4 चम्मच चीनी है, भी डाल दे रहे हैं। हम पीसे नहीं हैं, आप पीस के बना सकते हैं। अब इसको मिला लेते हैं। कम खर्चा में हो जाता है घर पर बनाने में, जल्दी भी बन जाता है। अब ज़रूर बनाइएगा। अब दूध डालेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, चलाएंगे। अब इसको मिला लेंगे, कम पड़ेगा तो डालेंगे। बर्तन भी छोटा पड़ गया है, ये भी दूध बचल है इसे डाल दे रहे हैं। दूध बचा हुआ था वो भी डाल दिए। अभी इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे। एक कटोरी दूध डाल दिए हैं, तभी देखिए नहीं हुआ है, अब डालेंगे। गरम दूध डाल रहे हैं, सूजी फूल जाएगा। सब दूध डाल दे रहे हैं। हो गया है, इसको 5 मिनट के लिए ढक दे रहे हैं। तब तक उधर हम देखते हैं क्या चीज़ में बनाते हैं, तब तैयार कर लेते हैं। देखिए हो चुका है, 5 मिनट तक ला ढक के रखे थे। देखिए इसमें इनो ले गए थे, इनो डाल दे रहे हैं। अब पहले से डाल के मत रखिएगा। लगा लिए हैं, मैदा भी दे दिए हैं, चिपकेगा अंदर नहीं। इसमें डाल दे रहे हैं, देखिए हो चुका है। कढ़ाई गरम कर दिए हैं, इसमें प्लेट रख दे रहे हैं। इसी पर केक रख देंगे। मेरा पास स्टैंड नहीं है, प्लेटे पर बना लेते हैं। अब इसको ढक दे रहे हैं। 20 मिनट बाद चेक करेंगे कि हुआ है कि नहीं। आधा घंटा हो चुका है, देखिए केक तैयार है। एक बार चेक कर लेते हैं।
देखिए नहीं लग रहा है, जब नहीं होता है तो लग जाता है, नहीं लगा तो तैयार है। देखिए निकाल लिए हैं, अब इसको 5 मिनट तक ला छोड़ देंगे, ठंडा हो जाएगा तब निकालेंगे, नहीं तो रहे ठंड गर्म रहता है तो टूट जाता है। देखिए निकाल दिए हैं, पूरा नरम है स्पंज ऐसा। ये डेकोरेट कर लिए हैं, उधर में ओरी बिस्कुट के क्रीम था उससे कर लिए हैं, इधर डेरी मिल्क से कर लिए हैं, और ओरियो बिस्कुट है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जुड़े रहिए मेरे साथ अच्छे अच्छे रेसिपी के लिए, तब तक के लिए बाय।